अली अमीन गंडापुर इमरान खान से बड़ा लीडर नहीं, पीटीआई का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुरमत पर हमला किया गया लेकिन तहरीक जारी रहेगी। अली अमीन गंडापुर इमरान खान से बड़ा लीडर नहीं है, अगर गिरफ्तार किया भी जाता है तो एहतजाज को आजम सवाती लीड करेंगे। शेख वकास अकरम ने ऐलान किया कि एहतजाज मुलतवी हरगिज नहीं किया जाएगा क्योंकि इमरान खान पहले ही गिरफ्तार हैं, इसलिए गिरफ्तारियां कोई बड़ी बात नहीं, एहतजाज जारी रखेंगे। पुरम एहतजाज हमारा हक है, हकीकी आजादी की तहरीक अब थमेगी नहीं, फैसला कुन जंग जारी रहेगी, हम अपनी कौम को हकीकी मानों में आजाद करवा कर ही दम लेंगे। शेख वकास अकरम का ये भी कहना था कि जो पीटीआई कारकुन इस्लामाबाद नहीं आ पा रहे वो अपने अपने अजला में एहतजाज करेंगे। मरकजी पंजाब और लाहौर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों के कारकुन लाहौर के एहतजाज में शामिल होंगे। मगरबी और जनूबी पंजाब के अफराद अपने अपने अजला में एहतजाज का एहतमाम करें। ताहम जो कारकुन इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं या शहर से बाहर करीब के इलाकों में मौजूद हैं वो डी चौक में ही एहतजाज करेंगे।